भारतीय जनता पार्टी अमृतसर दे वल्लों अज कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की देश विरोधी मानसिकता का उस सोच का जिहड़े लोग इह कहिंदे ने कि कन्हैया जिहड़ा है वह शहीद आजम सरदार देश भगत सरदार भगत सिंह नाल उहदी तुलना करदे ने। शशि थरूर वर्गे नेता, वरिंदा करात वर्गे नेता, वह जिहड़े उहनां दी तुलना कर रहे ने इहदे नाल उस मानसिकता का अज असीं पुतला बीजेपी अमृतसर दे वल्लों सारे कार्यकर्तावां दे सहयोग दे नाल इत्थे पुग्गिया सी। अपील है जी तुहाडे चैनल के माध्यम के नाल कि पिछले दिनों के अंदर देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रही पार्टियां कांग्रेस पार्टी जिहदे युवराज राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने, अज असीं तुहाडे चैनल के माध्यम नाल अपील करना चाहते हैं कि समय है हुण सानू यह सोचना पेगा कि असी पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों के नाल हाँ कि असी बीजेपी की जिहड़ी समर्थित सोच है, जिहड़ी देश भगतां की सोच है, वंदे मातरम वाली सोच है, भारत माता की जा जय कहने वाली सोच है, उहदे नाल सानू खड़ा होना पएगा। सो इस सोच का अंतर रख करके सानू आमने सामने इस गल नू खड़ा करना पेगा कि असी किस सोच के नाल खड़े हाँ। पता कोई नहीं, बच्चे खेडते पे बाहर, तो मैं दुकान पर गया, बोटी मेरे काम से गई, बाद पता लग गया सानू कि बच्चे को चुके लै गए, तो मुंडे ने दसिया मानसू ने कि जबरदस्ती मुंडे को भा पा के लै गए कि 100 रुपया लालच देने करके कि इन्हों दिहाड़ी दुड़ी लावे। मुंडे का ना तो पता नहीं मैनू, और मानसू पता जो मुंडे ने दसा ना सानू, उन्हें मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया ही, सानू फोन आया ही दौड़े दौड़े दुकान तक, घबराए की गल बात है, फिर इतने के पता लगा, फिर एस एस रंधावा साहब लै गए इतों बच्चों लांस रोड तो। मैंने तो सर मैं दुकान से सिरे 9:30 गया, 10 मैं पता लग गया 10:15 से उतो, मैं फिर दौड़िया उस वेले, मैं वेखा कल की बात की कुनी का फोन आया मैंने कि पापा तो गल हो गई है, तो यह तो चक्कर गया बच्चे मुंडे को लै गया चुके, 3 बच्चे लै गए चुके, एक मेरे को लै गए, दो बच्चे होर से नाल दे, एक साडे घर के सामने रहा, एक 3 नंबर गली चल रहे बच्चे, सर 3 हिंदुस्तान बस्ती दे गए, 2 बच्चे 1 नंबर गली, एक मुंडा 3 नंबर गली का, गुल्ली डंडा खेल रहे अपनी ग्राउंड से, आके ना भाई कहता कि साढ़े ना चलो तुम 100-100 रुपया देवे, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। समस्या है उस बारे असी सरकार के उच्च अधिकारियों जाणू करवा चुके हैं, जदों तक साड़ी उस मंग ते समूह पंजाब के सारे 18 जिले हड़ताल से जा चुके हैं, जदों तक वह समस्या हल नहीं होंगी साड़ी इको एक मंग है, उस बारे सरकार के उच्च अधिकारी जाणू ने, तो यह एजिटेशन उदों तक खत्म नहीं होएगा जदों तक वो साड़ी समस्या का हल नहीं होगा। जिहड़ी मुलाजम अते अफसर विरोधी नीतियां चल रही ने उहदे हिसाब नाल हरेक वास्ते एक इन्ना ज़्यादा मैंटल स्ट्रैस हो चुकिया है, कोई इस चीज़ नौकरी नहीं करना चाहुंदा, फैमिली लाइफ सारयां दी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो असी उस चीज़ नूं मुकाउणा चाहुंदे आ, तो एक नवा पंसब वास्ते भविख, पिछले 4 साल हो गए जदों दे पंसब नूं बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके नाल रन किया जा रहा है, फील्ड स्टाफ इदां सोचा जाता है कि सारा का सारा फील्ड स्टाफ चोर है, जो सरकार दीआं पॉलिसियां है उहदे विरुद्ध जाके फील्ड स्टाफ दे उत्ते एक्शन लिया जा रहा है, पिछले 4 सालों तो भुगत रहा है, तो हूँ साढ़े सबर की सीमा टुट गई है, जब तक ये सोच नहीं बदलती उदों तक ये संघर्ष चलेगा। We'll be right back.
कि 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डिक्की के माध्यम से आयोजित इस पांचवें व्यापार एवं उद्योग मेले में मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहां पधारे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते जी, मेरे सहयोगी राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी, राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले जी, राज्य मंत्री दिलीप कांबळे जी, साथ ही में मंच पर उपस्थित टिक्की के मार्गदर्शक श्री चंद्रकांत प्रसाद जी, टिक्की के चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी, श्री किशोर खराज जी, श्री मिलिंद खराज जी, श्री आशीष कुमार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक परिपाटी शुरू की और देश भर से जो हमारे दलित उद्योजक हैं उनको इस व्यापार और उद्योग मेले के माध्यम से एकत्रित करने का, उनका नेटवर्क तैयार करने का और उनको मार्गदर्शन करने का एक बड़ा अनूठा प्रयास शुरू किया, जो लगातार हर वर्ष मैं देख रहा हूं कि बड़ा होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं और इसका विस्तार निश्चित ही हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसलिए आज के इस मौके पर देश भर से जो उद्यमी यहां पर पधारे हैं उन सभी का महाराष्ट्र की इस भूमि पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सभी पांचों में उपस्थित रहा हूं और मैं अपने आप को बहुत खुदनसीब समझता हूं कि डिक्की के इस पूरी प्रक्रिया एक इस देश को अभिमान देने वाली है और उसका हम कहीं ना कहीं जाकर हिस्सा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसके प्रत्यदर्शी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं सहयोगिता में हम अपना योगदान दे रहे हैं। और इसलिए आज जब पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवनी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ, ऐसे 75 प्रसंग है कि जो आम आदमी को प्रेरणा दे सकते हैं। और इसलिए हमने ये सोचा है महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग की ओर से कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ये प्रदर्शनी हम लेके जाएंगे और महाराष्ट्र के युवाओं को डॉक्टर बाबा साहब जी के जीवन में जो घड़े प्रसंग है उससे जो प्रेरणा मिलेगी, काफी उनके पढ़ाई के समय के बाकी सभी प्रसंग है और बहुत बढ़िया प्रदर्शनी यहाँ प्रोफेशनल तरीके से लगाई है। दूसरी बात, मैं सोच रहा था कि 125वीं जनशताब्दी हम यहां बना रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सांस्कृतिक विभाग का भी मंत्री और हमने अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर अम्बेडकर जलसा का भी प्रोग्राम किया कि जिसमें पूजनीय बाबा साहब ने कर्मणुक के द्वारा समाज प्रबोधन उस समय किया था और उसमें बाबा साहब जी के विचारों का दर्शन अभी हम इस गेटवे ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में किया और वो प्रोग्राम भी महाराष्ट्र के सभी विभाग केंद्र और जिलों में हम करने वाले, ताकि बाबा साहब जी ने जो विचार दिए थे वो विचार कर्मणुक के द्वारा आम लोगों तक पहुंचे, एंटरटेनमेंट के द्वारा पहुंचे, जिससे लोग ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। और डिक्की का ये प्रयास है, स्टार्टअप और स्टैंडअप का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, इस प्रयास से मौका तो मिल रहा है लेकिन ये मौका हासिल करने की मानसिकता भी बनाना जरूरी है।
और इसलिए मैंने मिलिंद कांबळे जी से कहा कि महाराष्ट्र का हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग डिक्की के साथ अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी डिप्लोमा कॉलेज में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप करना चाहते हैं तो डिक्की और महाराष्ट्र सरकार मिलकर आम छात्रों की एंटरप्रेन्योर बनने की मानसिकता बनाने का प्रोग्राम हम सरकार की ओर से घोषित करते हैं ताकि मौका डिक्की दे रही है, मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन वो मौका हासिल करने की मानसिकता उनमें जो मनोबल बनना आना चाहिए, मैं मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा वो हो सकता है। और सबसे आखिर बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने डिक्की के इस पूरे कारोबार की सफलता आप कैसे नापोगे, ऐसा जब मैंने मिलिंद जी को पूछा तो उनका जवाब था कि डिक्की के द्वारा जो उद्योजक बनेंगे वो उद्योजक देश के विकास के लिए कितना टैक्स देने आए, हमारे उद्योजकों की भी टैक्स देने की क्षमता बढ़े। मैं मानता हूं पहले घोषणा थी वी शुड नॉट बी जॉब सीकर्स, वी शुड बी जॉब गिवर्स, अब तो यह घोषणा हो गई इनकी कि हम सरकार में जमा होने वाले टैक्स के द्वारा पैसे लेंगे नहीं, हम पैसा टैक्स के रूप में देना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपयोगिता, जब हम टैक्स के द्वारा अलग अलग विकास योजना करते हैं वो तो करनी ही है, वो बंद नहीं होगी, वो तो और बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमारे दलित उद्योजकों का भी योगदान बड़ी मात्रा में होगा। और वो योगदान कितना है ये डिक्की की सफलता का अगर मापदंड है तो मैं मानता हूं कि इस देश में जो विचार पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब जी ने रखा था उसको सही मायने में अमल करने का काम आज डिक्की के द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन मिलिंद जी, और आपका और आपके सभी सहयोगियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिसबा उल हक जो है, जो मीरा रोड में रहने वाली थी, वो कुछ दिन पहले अराउंड 9th of March यहाँ से चली गई थी सऊदी। उनको उनके रिलेटिव जो है वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ देखे, इंफॉर्मेशन देखे, कुछ जिसे कहते हैं कि लालच देखे, वहाँ पे बुलाया गया। उनके साथ में अच्छे काम की उन्हें वहाँ पे गारंटी दे दी गई। अभी जब वो वहाँ पे पहुँची है तो उनको एक तरह से बोलिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और इन्हें अरेस्ट करके रखा गया है, जिसे हाउस अरेस्ट बोल सकते हैं। अभी फिलहाल बात यह है कि उन्हें एक घर का काम करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, जहाँ पे उनको 3 घरों का काम करवाया जा रहा है। उनका पासपोर्ट वहाँ पे लिया गया है उनके ओनर की तरफ से, और उनको किसी भी तरह की एम्यूनिटीज़ नहीं दी जा रही है, उन्हें एक बार का खाना दिया जा रहा है। उनका हमें मैसेज भी आया था कि पिछले 3 दिनों से वो एक कपड़े के ऊपर एक घर में बंद है। उन्हें अपना उनका बेटा भी वहाँ पर है जो वहाँ पे ड्राइवरी का काम करता है, जिसके साथ में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ना कम्युनिकेशन करने दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पे लाने की, लेकिन वहाँ से डिमांड आ रहे हैं। अभी जाते वक्त उनके ऊपर उनके ओनर ने तकरीबन 40-50,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया था कि जो टिकट और पासपोर्ट रिलेटेड हो सकता है। अभी उन्हें डिमांड किया जा रहा है 1,80,000 रुपीज़ का। ये फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली है, ठीक है, अभी ये 1,80,000 रुपीज़ ये फैमिली पे आउट भी कर सकती है कुछ ना कुछ गिरवी रख के, लेकिन जो ओनर है जिसको ये पैसे देने हैं उनकी तरफ से ना कोई डिमांड लेटर आ रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट लेटर आ रहा है। और ये डिमांड रिक्वेस्ट लेटर ना आने की वजह से बैंक के ऑफिशियल चैनल से ही हम पैसे नहीं भेज सकते। अगर ग्रे मार्केट से अनऑफिशियल चैनल से हम पैसे भेजने की कोशिश करें तो हम कानून के दायरे में आ सकते हैं, जो कि हम ऑफिशियली नहीं करना चाहते। तो मेरी विनती है फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री मिसेस सुषमा स्वराज से, श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से, इस फैमिली की हेल्प की जाए और मिसबा हयात को यहाँ पे लाया जाए। तो मिसबा शेख काफ़ी तकलीफ में है और उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही है। मिसबा नासिर शेख, मैं सऊदी आभा से बोल रही हूँ। मैं 9 तारीख को इंडिया से सऊदी आई, यहाँ पे मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, मेरे पर टॉर्चर, मुझे जिस्मानी और दिमागी दोनों टाइप का टॉर्चर दे रहे हैं। मुझे खाने पीने से तंगी करके रख दिया, मुझे घर में तक कैद करके रखा है, मेरे से तरह तरह की बातें की जाती है और
मैं जब इंडिया आने की बात करती हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे टॉर्चर और बहुत सारे पैसों की मांग करते हैं। मैं कहाँ से दूंगी? मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। प्लीज मेहरबानी करके मुझे इंडिया, मेरे भारत देश में मुझे आने दो। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मुझे आज़ाद कर दो प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं सुषमा मैडम जी से और भारत सरकार से मदद मांगती हूँ, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। मैं विनती करती हूँ मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। सुषमा मैडम जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको बता रही हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे जल्दी से यहाँ से निकाले। मेरी सुषमा जी से रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी। अरसलान और फैजान नाम के जो शख्स है, जिन्होंने उनको, जो हमारे रिश्ते में लगते हैं, उन्होंने उनको वहाँ पे बुलाया और बोला कि यहाँ पे आ जाओ आंटी, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। और वो उनके कहने पे वो चले गए और उनको 20,000 पेमेंट का सब कुछ उन्होंने बोला था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उनको इतना हैरेसमेंट कर रहे, इतना काम दे रहे कि वो बोल रहे कि मुझे रिटर्न वापस बॉम्बे भेज दो, इंडिया में भेज दो। लेकिन वो जो अरबी है वो बोल रहा है कि मेरा जो खर्चा हुआ 1,80,000 इंडिया का, यानी कि 10,000 रुपया उधर का रियाल का, वो मुझे वापस कर दो और इनको लेके जाओ करके। लेकिन मैं यहाँ से पैसे का अरेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन अरेंज तो हो गया, लेकिन वहाँ पे उनका डिमांड लेटर ना होने के कारण मैं उनको पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ हो गई है। तो ऐसा लगता नहीं कि 1,80,000, क्योंकि उनका तो खर्चा ज़्यादा से 50,000 से 60,000 हुआ होगा, लेकिन वो ज़्यादा हरेसमेंट करके और उनसे ब्लैकमेल जैसे किडनेपिंग जैसा मामला हो गया है, और वो पैसा मांग कर रहे हैं लोग। वहाँ पे क्या तकलीफ है उनको? आपकी वाइफ से बात हुई, आपकी क्या तकलीफ हो रही है उनको? वहाँ पे एक कपड़े में रखा गया है, उनके कपड़े छीन लिए गए, और वो खाना भी उनको मुश्किल से मतलब तकलीफ में दे रहे लोग खाना, मतलब बराबर नहीं दे रहे खाना, और उनका हैरेसमेंट इतना कर रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो गए, बोल रहे मुझे कैसे भी करके आप बुला लो करके यहाँ पे।